शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी। एक तरफ देखिए कटहल फ्राई कर रहे हैं और दूसरी तरफ मसाला की तैयारी की हुई है। इसमें कुकर में हम तेल डाल दिए हैं और तेजपत्ता और जीरा डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन डाल दे रहे हैं। ये है सारा मसाला, ये धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और ये खड़ी लाल मिर्च है, काली मिर्च, लौंग, जीरा डाले हैं, थोड़ा जीरा कटहल के साथ डालेंगे प्याज के साथ। तो दोस्तों अब प्याज हम डाल दिए हैं सारा, अब इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक। अब प्याज भून जाएगा तब इस मसाला को हम डालेंगे उसमें। इसमें जो तेल लगा हुआ है उसमें किस किस करता है वो निकल जाए, फ्राई करने के निकल जाएगा। कटहल फ्राई हो गया है और इधर अब प्याज भी ब्राउन होने जा रहा है, थोड़ी देर में सारी मसाला डालेंगे। चलिए अब नमक डाल दे रहे हैं, अब प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा पानी डाल दें ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। अब धीमी आंच पे मसाला भूनेंगे। तो मसाला मेरा भून चुका है, अब इसमें हम कटहल डालेंगे। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। अब कटहल इसमें डाल दें। इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद पानी डालेंगे। देखिए मसाला पूरा मिल चुका है। अब ये तो चिकन लग रहा है। अल्लाह, देखिए ये वेज वालों का नॉनवेज है। देखिए कितना अच्छा कलर है। अब इसमें पानी डाल देंगे हम थोड़ा सा। देखिए बराबर में पानी डाल दिए हैं जितना कटहल है। अब इसको बंद कर दे रहे हैं, नमक पहले ही डाल दिए थे। अब दो तीन सीटी लगने थे, इसको रखेंगे। तो दोस्तों सब्जी अब तैयार हो गई है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम सब्जी को निकाल रहे हैं। तो बहुत मसालेदार बनी है।